ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आगे बढ़ते हैं। कोरोना वायरस के खतरे को देखते हुए दिल्ली में इसे महामारी घोषित कर दिया गया है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने इस बाबत घोषणा करते हुए कहा कि कोरोना वायरस के खतरे को देखते हुए एहतियातन दिल्ली के सभी सिनेमा हॉल 31 मार्च तक के लिए बंद किए जा रहे हैं। सीएम ने कहा कि जिन स्कूल और कॉलेजों में परीक्षाएं नहीं चल रही हैं उन्हें भी 31 मार्च तक के लिए बंद कर दिया गया है। सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा कि कोरोना वायरस के खतरे से निपटने के लिए दिल्ली सरकार पूरी तैयारी कर रही है। अस्पतालों को काफ़ी हद तक तैयार कर लिया गया है, बाकी व्यवस्था भी की जा रही है। अब तक लोगों को काफ़ी सहयोग रहा है और उम्मीद करते हैं कि आगे भी सहयोग मिलता रहेगा। मुद्दे के ऊपर मीटिंग हुई जिसमें दिल्ली सरकार के सभी अधिकारी मौजूद थे, सभी डिपार्टमेंट्स के एलजी साहब के साथ, दिल्ली के हेल्थ मिनिस्टर वगैरह सब मौजूद थे। और जैसा मैंने पहले भी कहा था, दिल्ली सरकार पूरी तरह से स्थिति से निपटने के लिए तैयार है। अभी तक जो जो मेजर्स लिए गए हैं उन सारे मेजर्स का रिव्यू किया गया और आगे कुछ निर्णय लिए गए हैं। एक तो ये कि सभी सिनेमा हॉल्स 31 मार्च तक के लिए बंद किए जा रहे हैं। सभी स्कूल्स और कॉलेजेस जहाँ पे एग्ज़ाम्स नहीं है, जो एग्ज़ाम्स हैं बस वो चलते रहेंगे, बाकी सभी स्कूल्स और कॉलेजेस 31 मार्च तक के लिए बंद कर